इम्पोर्टेंट बात होगी, जीडी का बच्चा जो पूरे पेपर पे घूम पाएगा और मीडियम सी तैयारी कर ली वो सिलेक्शन ले जाएगा इस बार। आपको बता रहा हूँ एक आइडियल टाइम बता रहा हूँ बच्चा, एक आइडियल टाइम, अगर आपको जीएस और हिंदी इसमें बेटा ज्यादा से ज्यादा हिंदी में आपके 5 से 6 मिनट लगने चाहिए करने में, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस यहीं से करके चलना। क्या सर इतनी जल्दी हिंदी हो सकती है? बिल्कुल 100% हो जाएगी, आप एक बार कोशिश करना, ठीक है। अगर आप नए हिंदी के लिए, कुछ हिंदी भाषी क्षेत्र से नहीं है बच्चे, वो मैक्सिमम 7 to 8 मिनट मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। अब मैं बोलूं कि जीएस ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जीएस में तो भाई हिंदी में तो तब भी हमें 20 के 20 याद करे हुए मिलेंगे, 20 के 20 हमारे करे हुए मिलेंगे, उन 20 के 20 पे दिमाग लगाना पड़ेगा हिंदी में, तो जीएस में तो दिमाग ही कहां लगाना है, याद करे हुए मुश्किल से 8-10 मिलेंगे 11 मुश्किल से। रियल बात बताता हूं बच्चों, जो तुम्हें लगे फालतू का क्वेश्चन है यार, ये मेरी समझ से ही परे है, कभी आज तक सुना नहीं, उसको टाइम क्यों देना है, मत पढ़ो ना आगे, तो इसमें तो और कम टाइम लगेगा। मैं कह रहा हूं मैक्सिमम 5 मिनट्स लगाना जीएस को करने में 20 क्वेश्चन को मैक्सिमम। अब बचता है मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग बेटा, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन हैं। अब देखिए आपके पास टाइम ही टाइम है, यहां 47 मिनट्स बच गए हैं, 47 मिनट्स अगर मैं 8, 5, 13, 8 भी मान लूं, दोनों को 13 मिनट में भी करा दूं आपसे, तो ये कितना 47 मिनट्स। अब इसको कैसे मैनेज करें 40 क्वेश्चन के लिए? बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा, क्वेश्चन कितने बच रहे हैं 40 और मिनट कितने बच रहे हैं 47, तो बहुत अच्छे से हो सकता है। हाँ, क्योंकि मैथ्स के जो 20 क्वेश्चन है ना, उनके लिए कम से कम 25 मिनट को लेंगे ही लेंगे वो हमारे, वो निश्चित तौर पर ले जाएंगे। तो आपकी जो रीजनिंग बची है वो 22 मिनट बहुत शानदार रहेगा बेटा, ये टाइम अगर आप सेपरेट सेट लगाते हैं मैथ्स रीजनिंग का तो ये टाइम लगाना, सेपरेट सेट लगाते हैं मैथ्स रीजनिंग का तो इतने इतने मिनट में लगाना, और अगर इनके सेपरेट लगाने की जरूरत नहीं है। और बेटा अगर आप एग्जाम में बहुत एक माइंड सेट होता है, इस बात को मेरी नोट कर लेना आज, माइंड सेट होता है कि हम सबसे पहले हिंदी करेंगे, मूड भी अच्छा हो जाएगा और आती भी है क्योंकि क्वेश्चन उसके सही होंगे और जल्दी भी कर लेंगे, फिर जीएस करेंगे, ये एक माइंड सेट होता है क्योंकि जल्दी हो जाएंगे, फिर आराम से मैथ्स रीजनिंग पाएंगे, नहीं। आप याद रखना जिस चीज को आप सबसे पहले करते हो वो आपकी जो टाइम उसको लेना चाहिए उससे हमेशा ज्यादा लेगी, तो आप ऐसे सब्जेक्ट को, और बेटा आप खुश होगे कि मैंने बहुत बढ़िया कर दिया, क्योंकि आपके दिमाग में 7-8 मिनट नहीं, आप कहोगे मेरे 15-12 मिनट हो गए, 12-13 मिनट मैंने 20 क्वेश्चन कर दिए, ऐसे तो मैं पूरा पेपर बहुत जल्दी कर दूंगा 12-13 में 20, पर ये तो देखो 12-13 मिनट में आपने 20 हिंदी के करे, आपको आगे तो नानी याद आ जाएगी, ये नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूं, सबसे पहले एग्जाम में अगर टाइम बचाना है और टाइम मैनेजेबल बहुत मुश्किल हो रहा हो, सबसे पहले रीजनिंग करना, सबसे पहले। तो रीजनिंग का अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ा हुआ कि आपको एकदम से घबराहट होगी कि 10-11 के पास और 10-11 मिनट हो गए, 10-11 ही क्वेश्चन कर पाया, तो थोड़ा और तेज चलो, ठीक है। आप कहोगे यार 22-23 मिनट हो गए, मेरे 20 ही क्वेश्चन हुए हैं और मुझे 60 में 80 करने हैं, तो आप फिर इनमें जितना टाइम ये डिजर्व करती है उतने में कर दोगे, और ये इससे तुम्हारा पूरा मैनेज हो जाएगा, और लास्ट में आप मैथ्स करना तसल्ली से। लेकिन एक बात याद रखना, मैथ्स करते टाइम या रीजनिंग करते टाइम जो चीजें एक बार में नहीं पकड़ में आ रही हैं उनको सर्किल करना है, यहां सर्किल नहीं कर सकते ऑनलाइन एग्जाम में, रिव्यू करना है, रिव्यू का निशान लगाना है, रिव्यू का निशान लगाना है, ठीक है, ताकि पूरे पेपर पे घूम पाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी, जीडी का बच्चा जो पूरे पेपर पे घूम पाएगा और मीडियम सी तैयारी कर ली वो सिलेक्शन ले जाएगा इस बार, है ना बच्चों। ये बहुत बहुत, ये हर बार नहीं बताऊंगा मैं, हो सकता है एक बार बस एग्जाम से पहले बात ये बता दूं, रिपीट कर दूं, फिर नहीं बताना कभी, कभी क्यों मैं रोज यही कहता रहूंगा आपसे, नहीं, इतना टाइम ना मुझे ना आपको ना एसएससी ने दिया है, मैं इतना टाइम तैयारी करेंगे बस, आगे तो 80 क्वेश्चंस हैं, 60 मिनट है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग नॉर्मलाइज हर जगह होता है, इससे घबरा